रियल एस्टेट के लिए जो आज सीएम साहब ने लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की है और कुछ चीज़ों की इजाज़त दी है, तो उसमें रियल एस्टेट को भी इंक्लूड किया है। राहिल ने कहा था, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी थी, तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया है। और कमिश्नर साहब को और होम सेक्रेटरी साहब को भी ये रिक्वेस्ट की है कि इनको भी इजाज़त दी जाए, लेकिन जो SOPs हैं उन पर मुकम्मल अमल करना होगा। जिस तरह राहिल ने कहा और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने अमल किया है, तो अब ये राहिल और उनकी पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि जो सिंध गवर्नमेंट के SOPs हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, ताकि इस वायरस से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके।